तेरे लिए प्रोड्यूसर होंगे बद्री, तेरे लिए प्रोड्यूसर होंगे बद्री, मेरे लिए तो फाजिल दोस्त। ये वही शो है जिसे देख के आप रातों को रोल खाते हैं मटन का। परदी मुशायरे में आप सबका इस्तकबाल है। मध्यम मध्यम रात हो गई है, ठीक है, आपके यहाँ भी, हमारे यहाँ भी। और शमा रोशन करने के लिए आज जो उजाला हमारे साथ बैठा है उनका नाम बेचा चड्डा है। क्या बात है, मैं कह रहा हूँ बुझा दो ये सब, जरूरत ही नहीं है, इनकी रोशनी में ही हो जाएगा, ये काफी है। वाह क्या बात है, क्या बात है, इतनी खूबसूरत बात आपने कही है। गोपाल भाई आप ही से शुरुआत करेंगे इस बात। ओहो, तो मतलब खूबसूरत बात के बाद तुरंत नीचे आना पड़ेगा मुझे। बिल्कुल इरशाद, कहा है कि कहां से लाऊं इतनी हिम्मत। देखिए दर्द समझिए साहब जी सर, कि कहां से लाऊं इतनी हिम्मत इस दुनिया से लड़वे को। घर कहाँ जा रहे हैं आप फिर? गाड़ी क्या बात है, घर जा रही है। नया अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है, कहाँ से लाऊं इतनी हिम्मत इस दुनिया से लड़वे को, लड़वे को। तो कहा है कि कहाँ से लाऊं इतनी हिम्मत इस दुनिया से लड़वे को, कैसे करूं मीठी बातें, कैसे समझाऊं इस दिल कड़वे को। जो दिशा बदली है, कड़वा किया आपने, मैं डर रहा था माहौल, माहौल कड़वा, डर तो बना हुआ है अभी। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहां से लाऊं इतनी हिम्मत इस दुनिया से लड़वे को, वाह वाह वाह, और कैसे करूं मीठी बातें, कैसे समझाऊं इस दिल कड़वे को। जी 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 आइए। और फिर से उसकी याद दिला दी, चल निकल यहाँ से, सब जानना इस बलवे को। आखिर आप वहाँ पहुँच ही गए, थोड़ा आपने रूट इधर उधर लिया था पाल जी, लेकिन आप पहुँच ही गए। मैंने कहा था रिस्क खत्म नहीं हुआ है अभी। शुक्रिया। वाह बद्री, आप आइए, जरा स्तरहीन कर दीजिए इसको। अच्छा सुनो। हाँ बोलो। सुनो। अच्छा ओ, ओ, अच्छा शेर है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वहाँ देख के कहते हैं ना। अच्छा सुनो जी, कहिए। वाह, बैंक में जरा मेरा चेक जमा कर दो। अच्छा सुनो, अच्छा सुनो, बैंक में जरा चेक जमा कर दो, बस इस बार तुम मुझे क्षमा कर दो। पिछली छुट्टी के लिए दिया था नानी को हार्ट अटैक। पिछली छुट्टी के लिए दिया था नानी को हार्ट अटैक। अरे तुम इस बार दादाजी को दमा कर दो। सुपूत है क्या ये, इनके लिए मैंने भी एक शेर लिखा है। बिल्कुल आप, अरे बोलिए साहब, यही तो कर रहे हैं हम कौन सा लिख के ला रहे। वो हमें कहते हैं क्षमा क्यों नहीं देते, वो हमें कहते हैं क्षमा क्यों नहीं देते, हम कहते इतने बड़े हो गए हो, कमा क्यों नहीं लेते। क्या बात है साहब, कमाइए भाई बद्री जी। वाह साहब, एक छोटी बहर की गजल है, उसके दो शेर दो अशार आपको सुना रहा हूँ, ठीक है। और जो है मैं ये आप लोगों का साथ चाहूंगा इसमें बद्री, गोपाल भाई, कुमार चाचा आपका भी, कि तुम मोहब्बत सच्ची हो क्या। अच्छा अच्छा, हाँ बताओ बताओ। बहुत बढ़िया सवाल है। नहीं बताओ भाई बताओ, क्योंकि मोहब्बत तो हो, अब सच्ची हो कि नहीं इसमें शक है। बहुत बढ़िया सवाल पूछा साहब, कि तुम मोहब्बत सच्ची हो क्या, सचमुच इतनी अच्छी हो। अरे नहीं, दिल को छू गया। और शिकायत कि तुम मोहब्बत सच्ची हो क्या, सचमुच इतनी अच्छी हो क्या, और क्यों भेज दिया वो वाला वीडियो फैमिली ग्रुप पे तुमने, वो वाला यार, वो वाला, वो वाला, वो वाला, और क्यों भेज दिया वो वाला वीडियो फैमिली ग्रुप पे तुमने, समझ नहीं आता। बच्ची हो क्या। बिल्कुल पैथोस फील हुआ है पूरा, काफी कैथारसिस। आप जरा जलजला ला दीजिए, आप एक अशार। मैं आपके आपके उसमें एक शेर अर्ज करना चाहूंगी, अभी बुन रही हूँ। अरे अल्फाजों को चुन रही है, अल्फाजों को मैं चुन रही हूँ। वैसे तो ये होस्ट हैं,
है ना। वैसे तो ये होस्ट हैं, महफिल के हरदम टोस्ट हैं। क्या बात है। तेरे लिए प्रोड्यूसर होंगे बद्री। तेरे लिए प्रोड्यूसर होंगे बद्री। मेरे लिए तो फाजिल दोस्त। बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए, ये होते हैं दोस्त। देखिए कितना, ये लोग 15 दिन से घूमे मेरे साथ, एक बार नहीं कहा इन्होंने मेरे लिए कुछ अच्छा ढंग का। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आंखें छलक पड़ी। चलिए भाई, नहीं आज मेन वाला तो किया ही नहीं। अच्छा पढ़ लिया, जो घर से लिख के लाए थे वो तो पढ़ाई। मैं कह रहा हूँ पढ़ दीजिए, खत्म कर दीजिए। कहानी एक पहाड़ी लड़के की है। अच्छा जी। एक लड़का जिसका नाम भूपिंदर रावत है। पहाड़ों की कहानी, रावत साहब पहाड़ों की कहानी। और मतलब पाइन ट्रीज दिख रही हैं आप सबको, है ना। इमेजिनेशन पूरी यूज करिए अब। जी जी जी। एक लड़का जिसका नाम भूपिंदर रावत है, वो चचुरा हमको बहुत जगावत है। वो ससुरा हमको सारी रात जगावत है। अच्छा, समझ रहे हैं मीनिंग। एक लड़का जिसका नाम भूपेंद्र रावत है, वो ससुरा हमको सारी रात जगावत है। वाह। चक्कर हमारी गली के रोज लगावत है। रोज लगावत। हाँ, अभी तब पेट्रोल डीजल कम था। एनीवे, चक्कर हमारी गली के रोज लगावत है, फिर भी बुढ़बक सेकंड बेस ही पावत है। क्या ट्रेजेडी है साहब, क्या साहब। साहब, एक बहुत बड़े मशहूर शायर का एक गाना याद आ गया, आई ट्राइड सो हार्ड एंड गॉट सो फार। मुझे लग रहा रोमियो जूलियट के बाद यही एक त्रासदी है, ट्रेजेडी है, जो मेरे दिल को छुई है। वाह, क्या बात। आपका ये मानना अपने आप में बड़ी बात है। दिल को छू लिया मतलब आप भूपिंदर रावत से शायरी आगे जा चुके। जी वाह, वरना आप जैसे पत्थर दिल आदमी तक क्या पहुँचा। वाह जी, कुमार भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। भूपेंद्र रावत की याद में एक शेर पढ़ दीजिए। तो इसी की गलत फहमी मैं थोड़ी दूर करना चाहता हूँ। वाह, अरे टू यू, हमारे यू कहना चाहता हूँ कि तुझे क्या लगता है, ए ए ए ए हीरो, तुझे क्या लगता है तेरी बंदी वफादार है। तुझे क्या लगता है तेरी बंदी वफादार है, इश्क भी हमारा चाकू की धार है। और बचा के रखना महबूबा को अपनी, बचा के रखना महबूबा को अपनी, कि यात्री अपने सामान का खुद जिम्मेदार है। देखिए इसी तरह के छोटे छोटे दिल के दर्द हम आपके लिए पेश करते हैं, है ना। फिर एक बार मिलेंगे आपको अगले हफ्ते। बहुत बहुत शुक्रिया, ये देख रहे थे आप फर्जी मुशायरा। हम सब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। छब्बा खैर, अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया साहब। ओ, कुछ सच्चाइयां, कुछ दर्द जी, कुछ तजुर्बे। वाह जी। कि मौसम बहार है। ओके, वाह वाह। मौसम बहार है फिर भी सूखा हूं। मौसम बहार है फिर भी सूखा हूँ, और कुछ बात बुरी लग गई थी इसलिए रुखा हूँ। कुछ बात बुरी लग गई थी इसलिए रुखा हूँ। और तुमको क्या लगता है, तुमको क्या लगा था, तुमको क्या लगता था मैंने कहा था स्विफ्ट डिजायर के लिए। नहीं, दहेज तो पापा मांग रहे थे, मैं तो बस प्यार का भूखा हूँ। अपना लड़की को ही देंगे, जानी है एसी चलाएगी गर्मी में, नहीं तो अपना बच्चा लोगों को तो सब लोग ही देता है। ऑफिस के बाद थोड़ा हम टैक्सी भी चला लेंगे स्विफ्ट डिजायर में। कार्ड देना भाई, केस हो जाएगा, है ना।